फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीबीटी सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये न्यूज़ काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन अभी काफ़ी लोगों का रिटर्न निकल गया है ना। हर जोन में से कहीं 20 गुना, कहीं 30 गुना लोगों निकल गया। तो कई लोगों को पता नहीं है कि सीबीटी सेकंड का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। ये एक ऑफिशियल अपडेट है, बताता हूँ मैं आपको। जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा, बट जो लोग यूज़ नहीं करते ये उनके लिए वीडियो है। अगर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते तो आरआरबी सिकंदराबाद जो जोन है, जो ऑफिशियली ट्विट रहता है ना फ्रेंड्स, जिनका भी कैंडिडेट का डाउट रहता है वो ट्विटर के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं आरआरबी से, तो सिकंदराबाद ने रिप्लाई दिया था। आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट, एज ऑफ नाउ सेंटर फॉर सेकंड सीबीटी विल बी इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न आरआरबी ओनली। यानी जो आप लोगों ने आरआरबी सिलेक्ट कर ली है, अब आप उनके अंडर आ गए हैं ना, उसके ज्यूरिडिक्शन पे आ गए हैं, तो उसके अंतर्गत अब वो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपके जोन में होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो ये क्या आरआरबी सिकंदराबाद ने ये ट्वीट करके बताया था। तो अभी नया रिजल्ट आया हुआ है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स क्लियर हो गए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो मे बी रेलवे नियम चेंज कर सकता है, क्योंकि रेलवे के हाथ में फाइनल डिसीजन है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर अब जोन में ही रखना चाहती है कि या फिर जो आपका होम एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जो ये ऑफिशियली जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, अगर उसको हम कंसिडर करें, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपने जो जोन सेलेक्ट किया होगा। सपोज़ अगर आप यूपी से हैं, अगर आप साउथ से है, आप है ना इलाहाबाद से हैं, है ना वेस्ट बंगाल से, बट अगर आपने कोई दूसरा जोन चुन लिया है, ठीक है, आप नॉर्थ के, आपने साउथ साइड जोन चुन लिया, तो आपको आना पड़ेगा साउथ में देने के लिए। बट रेलवे काफ़ी कैंडिडेट लोग हो गए हैं, अब काफ़ी कैंडिडेट वो कर रहे हैं कि सर हम तो बहुत दूर से, हम इतनी दूर सेंटर कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे, क्योंकि 10 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, फिर वो अरेंजमेंट में दिक्कत होगा। तो इसके कारण हो सकता है कि रेलवे होम एड्रेस के अकॉर्डिंग ही सेंटर ऑर्गेनाइज़ करे। बट अभी तक तो यही न्यूज़ है कि आरआरबी आपने जो जोन सेलेक्ट कर लिया है वहीं पर होगा। तो आप ये कंसिडर करके चले कि आपने जिस जोन से भराया है वहीं पर आपका सीबीटी सेकंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आरआरबी नोटिस पब्लिश करता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ मिल जाएगी, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अभी 1 मंथ बचा हुआ है, आप लोग काफ़ी कैंडिडेट्स नए आ गए हैं। रेलवे ने रिजल्ट तो क्लियर कर दिया है, बट 1 महीने में प्रिपरेशन करना ईजी नहीं होता है। आपको ट्रेड टेस्ट भी देखना है, ट्रेड टेस्ट आप देख लीजिए, कई ट्रेड तो 2-2 साल की, कई 1-1 साल की, तो 1 महीने में ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, जो भी आपका ट्रेड हो, चाहे वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, फीटर हो, ठीक है, आप आईटीआई की बुक आप कोर्स बुक मत लीजिएगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप आती है ना उनकी, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप एक बुक आती है, आप कुछ भी वहाँ पे जाके बोल दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप आईटीआई की, जो भी आपका ट्रेड है वो बुक ले लीजिए। तो हर टॉपिक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ईजी होता है, 20 दिन में आराम से हो जाएगा, तो आपकी ट्रेड की प्रिपरेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। और आरआरबी भी जानता है कि जो ये जो ट्रेड टेस्ट है इतना डीप में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस एग्ज़ाम में एक 10+2 का कैंडिडेट भी बैठ रहा है, आईटीआई का भी बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर बना है फ्रेंड्स। तो डरने की बात नहीं है कि यार ट्रेड टेस्ट आएगा, काफ़ी डीप में आएगा। आप बेसिक पढ़िए, सपोज डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक का वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, कंप्रेशन रेशियो पूछ सकता है, स्ट्रोक क्या होता है ना, आपका जो पिस्टन क्या होता है, किस मटेरियल से बना हुआ है ना, ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। बैटरी के बारे में थोड़ा सा पूछेगा, कार्बोरेटर का वर्क क्या है, यानी जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में जो डेफिनेशन है ना, उसको बस आप जान लीजिए कि होता क्या है, काम क्या करता है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। विश्वास रखिए आप ज़्यादा डीप में पेपर नहीं बनेगा। आप अपना फोकस करिए पार्ट ए में, जो मेरिट डिसाइडिंग है, और पार्ट ए में आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल काफ़ी आएंगे इस बार, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं सीबीटी फर्स्ट में भी उन्होंने न्यूमेरिकल पे काफ़ी फोकस किया था, और सीबीटी सेकंड में भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही अपडेट देना था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए ना, कोर्स बुक आप मत खरीदेगा, क्योंकि कोर्स बुक फ्रेंड बहुत मोटी है, तो मुश्किल हो जाएगा सीबीटी सेकंड क्लियर करना। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप चले जाइए, बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आईटीआई के अकॉर्डिंग ले लीजिए ना, डीजीईटी को फॉलो कर रहा है, आरआरबी आप जानते हैं, तो कोर्स बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कोर्स बुक अभी ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये गलती मत करिए। 1 महीना है, आप किस पे फोकस करेंगे, इवन आप लोगों का कई लोग का आरपीएफ का भी पेपर है, तो बस वही ले लीजिए, उसमें आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद। सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।